अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने ईमेल करके ऐसा फ़ोटो भेजे हैं कि ये कटिंग कैसे होगा ये बताइए। तो मैं दिखा रहा हूँ कि उन्होंने फ़ोटो भेजे, मैंने पेन से ऐसा नक्शा उतारा हूँ, सेम इसी तरह कटिंग होगा। मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। इस फिलहाल में ये देखिए, 44 इंची लेंथ है, 42 इंची चेस्ट है, 40 इंची वेस्ट है, 41 इंची हिप है, 18 इंची शोल्डर है, 24.5 आस्तीन का लेंथ है, उसका क्योंनी 12.5 इंच है, 9.5 इंच कॉफ है, 15.5 इंच आर्मोल है। ये चेस्ट में है ना, 4-4 इंच में इसमें लूजिंग जोड़ रखा हूँ। एक इंच का मार्क लगाएंगे यहाँ पे। इंची लेंथ है, एक यहाँ पे सीधा मार्क लगाएंगे। सारे 44 इंच पे मार्क लगाएंगे। आर्मोल है 15.5, 8 इंच पे मार्क लगाएंगे, 17 इंच पे वेस्ट का मार्क लगाएंगे, 25 इंची हिप का मार्क लगाएंगे और 42 इंच इसका चेस्ट है, 40 इंची वेस्ट है, 41 इंची हिप है। तो हो रही है 21 इंच। 21 इंच का आधा करते हैं तो 10.5 आ रही है। 10.5 का आधा करते हैं तो 5.25 इंची आएगी। 5.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। 40 का भी आधा करके फिर उसको आधा करते हैं, यानी आधा करके उसका चौथा हिस्सा 10 इंची आता है, तो 10 का भी आधा करके हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 5.25 इंच का मार्क लगाएंगे और 41 है, 41 है तो यहाँ पे भी 5.25 इंच का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10.5 पे एक मार्क लगाएंगे। अभी ये स्केल यहाँ पे रख देंगे सीधा। अब यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर की मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से आर्मोल का मार्क लगाएंगे, आर्मोल 18 इंच है तो 9.5 पे मार्क लगाएंगे। अब इसको यहाँ से एक मार्क लगा लेंगे। अभी एक मार्क ऐसे क्रॉस से लगा लेंगे, सीधा मार्क लगा लेंगे। अब यहां से 1/4 इंची अंदर मार्क लगाएंगे। यानी 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से सीधा एक मार्क लगाएंगे। बस इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से आपको एक पल्ला काट लेना है। मेरे पास ये कपड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं इसी का काट लिया हूँ। फिर यही पल्ला बैठा के इसका मेन पल्ला हम कट करेंगे, लेकिन ये कम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा मैं आगे बताता हूँ आपको।
ये पल्ला को हम इस तरह बैठा लेंगे। ये जो 42 है यानी इसका 3/3 पे ये जो मैं कट किया हूँ, तो अब इसमें 42 का 1/4 हिस्सा 10 इंच, 10.5 इंच आ रहा है, और उसको आधा करें 5.25 इंच, यानी ये 5.25 इंच और ये 10.5, 10.5 से यहाँ यानी 15.5 इंच आ रही है। तो हम ये पल्ला को हम ऐसे लेंगे, ये 15.5 इंच यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 5 इंच यानी 15 इंच रहेगी, यहाँ पे 15 इंच पे मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 15.5 इंच आएगी। अब ये पल्ला को हम ऐसे कर लेंगे, ये जो मार्क है ये मार्क में मिला दें, इसके हिसाब से पहले हम कट कर लेंगे। इसका आस्तीन पहले हम कट कर लेंगे, 24.5 इंच है, तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के कॉप के लिए मार्क लगा लिए, और इसका आधा 12.5 इंच पे मार्क लगा लिए, क्यों नहीं है 12.5 इंच, 12.5 इंच है, और यहाँ पे 5.25 इंच का मार्क लगा लिए, यहाँ पे आर्मोल है 15.5, तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन दे दिए, उसके हिसाब से आप इसको हम कट कर लेंगे। ये साइड बैठा लेंगे, अब ये पल्ला को हम अच्छा से बैठा लेंगे और इसको ज़्यादा कट करेंगे, कॉलर के पास ज़्यादा रहेगी जिससे, और नीचे जितना है उतना ही रहेगी, कॉलर के पास सिर्फ ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारा कंधे भी आना चाहिए। अब यहाँ से हम कम से कम 3 इंच लेंगे, ठीक है, अब यहाँ से 3 इंच ऐसे गोलाई लेंगे, अब इसके हिसाब से हम मार्क लगा लेंगे। हम इसको इसके हिसाब से कट कर लेंगे। इसका ऊपर का मेन पल्ला रखेंगे, पहले चेस्ट देख लेंगे, चेस्ट आ रही है कि नहीं,
इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे। इसको भी सेंटर कर लेंगे बीस सेंटर। अब 3 इंची यहाँ पे मार्क लगाएंगे, 3 इंची यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब इसको पीछे का गला है 6.5 इंच, 16 इंच है लेकिन इस पर लिखा हुआ नहीं है, तो पीछे का 6.5 इंच रहेगा, 6.5 इंच यानी आगे का 10 इंची आएगा। ये देखिए आगे का 10 इंची आएगा, तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। फिर इसको इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा ऐसे खोल हो जाएगा, यहाँ पे एक गुंडी लग जाएगी, एक गुंडी यहाँ पे लग जाएगी। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहां से हम इसको क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे। साइड इसका साइड ज्वाइन होने के बाद इसी तरह इसको बैक दोनों फ्रंट बैक को मिला के हम दोनों को ऐसा ही क्रॉस करके कट कर लेंगे। अब हम बैक काटेंगे, ये ऐसे आ जाएगी, सीधा एक मार्क लगा लेंगे, फिर यहाँ 1.5 इंच का मार्क लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद 8 इंच का मार्क लगाएंगे, फिर 17 इंच का मार्क लगाएंगे, फिर 25 इंच का मार्क लगाएंगे, 10 इंची कमर है, 10.25 पे मार्क लाएंगे, 41 इंची हिप है और 42 इंची चेस्ट है। सावा 9 पे मार्क लाएंगे, शोल्डर है 18 इंच, यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क लाएंगे, 3 इंच पे मार्क लाएंगे इसको। अब इसको हम सीधा सीधा मार्क लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से हल्का, ये बैक पल्ला है, हल्का क्रॉस रहेगी, फिर यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से ऐसे गोल कर लेंगे इसको, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।